स्टूडेंट्स, आज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा रिडॉक्स रिएक्शन का ये क्वेश्चन। सॉल्यूशन है इस टेस्ट को, आपने दिया था अभी कुछ दिन पहले। आंसर शीट आपको मिल जाएगा या फिर मिल चुका होगा कई बैच में, तो सॉल्यूशन आप मिला लीजिएगा। कई लोग का सही भी है और कुछ लोग बहुत थोड़ा छोटा छोटा मिस्टेक किए। कहाँ पर क्या आपने मिस्टेक किया है, इसका एनालिसिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो बाकी इसको हम यहाँ सोल्व कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, डिफाइन ए रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिकल कंसेप्ट। अब इस क्लासिकल कंसेप्ट में ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, मेटल, नॉन मेटल, ये सभी था। आप कोई भी एक लिखिए। जैसे अगर हम ऑक्सीजन को लेकर के चलते हैं, ऑन अकाउंट ऑफ ऑक्सीजन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन एंड इट्स रिमूवल इज कॉल्ड रिडक्शन। ये आप लिखो और कोई एक एग्जाम्पल दे दो, कोई एक एग्जाम्पल दे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, कोई भी दे सकते हो। सी प्लस ओ टू इट गिव सी ओ टू, जहाँ कार्बन कन्वर्ट किया कार्बन डाइऑक्साइड में, इट मीन्स ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और जब एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन। यहाँ ये इनका हो गया रिडक्शन। ये क्लासिकल कंसेप्ट के अनुसार से था। सेकेंड क्वेश्चन आप देख रहे होगे स्क्रीन पर, डिफाइन डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। हमें बताया था कि ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ 11th के लिए बल्कि 12th के लिए। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन इज द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन विच अ सिंगल सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज रिड्यूस। और ये आपको दिखाना भी पड़ेगा ये कैसे ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैसे ये रिड्यूस। जैसे कई एग्जाम्पल्स हैं, आप में से कुछ लोग अलग अलग एग्जाम्पल्स लिखते हैं, कुछ इमेजिनरी एग्जाम्पल लिखें, तो जो रियल में एग्जिस्ट करता है उस एग्जाम्पल को आप लिखो। इमेजिनरी नहीं कि ऐसे कुछ भी जो किसी में डाल दिए और वो कंपाउंड बन गया। जैसे हमने बताया कि H2O2 अगर हम लोग लेते हैं, 2H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो ये डिकम्पोज कर जाएगा 2H2O+O2। अब यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू लिखेंगे। H2O2 में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1, हाइड्रोजन का +1। H2O में ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1। और यहाँ एलिमेंटल मॉलिक्यूल है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0। ये दिखाना पड़ेगा, आप में से कई लोग ये दिखे नहीं। अब यहाँ देखो, ऑक्सीजन का -1 से -2 अगर कंपेयर करेंगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी इस जगह पर इनका रिडक्शन हो रहा है। और वहीं अगर -1 से 0 कंपेयर करेंगे देन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ H2O2 ये ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। देयरफॉर इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिसप्रोपोर्शनेट। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये याद तो रहना चाहिए था। जब पढ़ा रहे थे उस वक्त में ही बताया था, ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, ये पार्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दो सेट था, सेट ए और सेट बी। एक में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूछा गया था और दूसरे में रिड्यूसिंग एजेंट पूछा गया था। व्हाट डू मीन बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे में था व्हाट डू मीन बाय रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट इज द सब्सटेंस विच ऑक्सीडाइजेज अदर सब्सटेंस, जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा वो खुद रिड्यूज होगा। इतना सिंपल डिफिनेशन बताया था। द केमिकल सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वाइल द केमिकल सब्सटेंस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इटसेल्फ रिड्यूस, वाइल रिड्यूसिंग एजेंट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, दोनों में एक ही एग्जाम्पल काम कर जाएगा। जैसे अगर हम लोग 2H2+O2 इनका रिएक्शन कराते हैं, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2H2O। यहाँ H2 कन्वर्ट किया H2O में, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। O2 कन्वर्ट करा है H2O में, यहाँ पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, इनका रिडक्शन हो रहा है। अब जिनका केमिकल सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है
वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम करेगा, और जिनका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करेगा। तो दोनों में से जो सेट ए हो या सेट बी हो, दोनों जगह पर ये आपका काम कर सकता है। आगे बढ़ो। ये सेट ए का क्वेश्चन था, और यहाँ पर ये जो देख रहे हो व्हाइट कलर का, जैसे आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये सेट बी का था। इन दोनों क्वेश्चन में यूजिंग अ स्टॉक नोटेशन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग कंपाउंड, यानी इनके मॉलिकुलर फार्मूला को स्टॉक नोटेशन से रिप्रेजेंट करना। तरीका क्या बताया था? तरीका बताया था कि सबसे पहले आप मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। तो Fe2O3 गैस है, आपको निकालना हो एक्स मान करके निकालना हो, एक्स इंटू टू प्लस माइनस टू इंटू थ्री इज इक्वल टू जीरो, 2x-6 इज इक्वल टू जीरो, 2x इज इक्वल टू प्लस सिक्स, एक्स वुड बी इक्वल टू प्लस थ्री, ये आ गया। तो इस तरीके से सारे मेटल्स का निकालोगे यहाँ, और उसके बाद में फिर आप लिखिएगा। अब जैसे अगर इसका लिखना है, इनका लिखेंगे तो आ जाएगा Fe2 ऑक्सीडेशन नंबर 3 था, तो 3 और O3। यहाँ पर मेटल है Au गोल्ड, तो इनका जब लिखेंगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो 1 आता है, तो रोमन में यहाँ पे 1 और यहाँ Cl2। CuO में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो ये 2 आता है, तो इनका स्टॉक नोटेशन में आ जाएगा Cu2O। MnO2 में मैंगनीज का 4 आ रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो Mn4O2 आ जाएगा। एंड ये पार्ट हो गया और स्टॉक नोटेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बोल्ड एलिमेंट, इनमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है एलिमेंट। यहाँ K2Cr2O7 है, आप एक्स मान करके भी निकालो, पोटासियम का होता है 1 × 2, क्रोमियम का X × 2, ऑक्सीजन का निकालेंगे -2 × 7 इज इक्वल टू 0, आ गया 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0, 2x - 12 इज इक्वल टू 0, 2x वुड बी इक्वल टू प्लस 12, एक्स वुड बी इक्वल टू प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2। इट मीन्स यहाँ क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 6 आया, यानी इसका जब आंसर लिखना होगा तो आपको आंसर लिखना है प्लस 6। आप चाहें तो जो कि हाफ मार्क का ये क्वेश्चन था, तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, जैसे डायरेक्ट निकालने के लिए बताया, या फिर आप एक्स मान करके भी निकाल सकते हो। H2SO5 में अगर सल्फर का निकाल रहे हैं, यहाँ पर देखो, याद करो इस जगह पर एक कंसेप्ट आता है, 1 × 2 + x + -2 × 5 इज इक्वल टू 0, 2 + x - 10 इज इक्वल टू 0, x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +8। अब अगर आप +8 लिखते हैं तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि लिखवाए थे कि ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एलिमेंट का उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, तो +6 से ज़्यादा शो नहीं करेगा, और ये हम लोग उसके स्ट्रक्चर बना करके शो किए थे, और बताए थे कि अगर ऑक्सीडेशन नंबर उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब ये कि उसमें कुछ एक ऑक्सीजन परऑक्साइड के फॉर्म में है। तो H2SO5 का ऑक्सीडेशन नंबर +8 नहीं लिखा जाएगा, +8 तो गलत है, यहाँ पर इनका ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू +6 लिखा जाएगा, क्योंकि ये इनके हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वैल्यू हो सकता है। स्ट्रक्चर से भी आप पलट करके देखना कॉपी, वहाँ पर भी बताएं। K4FeCN6 में Fe का निकालोगे यहाँ पर, तो इस जगह पर भी उसी अनुसार से कलर चेंज कर देते हैं, पता चलेगा। पोटासियम का 1 × 4, आयरन का निकालना है तो आयरन के लिए एक्स हो गया, Cn का -1 × 6 होता है इज इक्वल टू 0, और यहाँ सोल्व करोगे तो एक्स का वैल्यू +2 आएगा, यानी आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2। H3PO4 में निकालेंगे तो हाइड्रोजन का 1 × 3, फॉस्फोरस का एक्स, ऑक्सीजन -2 × 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ सोल्व करोगे तो इस एक्स का वैल्यू +5 हो जाएगा। यानी यहाँ पे K2Cr2O7 में क्रोमियम का +6, H2SO5 में सल्फर का +6, Fe का +2,
और फास्फोरस का प्लस फाइव आया, ये आपके ऑक्सीडेशन नंबर निकालने से। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद में क्वेश्चन था बैलेंसिंग का, दोनों सेट में एसिडिक बेसिक ये बताए थे, और ये बताए थे कि क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, आप में से कुछ लोग क्या करिए हैं, जहां ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना था वहां पर वो आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज, और जहां आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करना था वहां ऑक्सीडेशन नंबर, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको, और मार्क्स बैलेंस्ड पार्ट पे नहीं मिलता है। यहां ये क्वेश्चन देने का मतलब ये हुआ कि आपको मार्क्स उसके स्टेप पर मिलेगा, कि आप स्टेप फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसलिए इस बात का आप ध्यान रखो। सॉल्व करते हैं इसे। इसे फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है। बताए क्या थे आपको मेथड, MnO4- माइनस प्लस आई माइनस इट गिव MnO2 प्लस IO3- माइनस, यहाँ करना है। सबसे पहले सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, उसके ऊपर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2, मैंगनीज का +7, आयोडीन का -1, ऑक्सीजन का -2, मैंगनीज का +4, ऑक्सीजन का -2, यहाँ आयोडीन का +5। अब देखो किन का चेंजेज हो रहा है, मैंगनीज का +7 से +4 गया, यानी डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। आयोडीन का -1 से +5 गया, इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब चेंज निकालो, +7 से +4 जिसे डिक्रीज कर रहा है, मैंगनीज का नंबर ऑफ एटम 1 है तो 3 × 1 यानी 3 हो गया। आयोडीन का देखो -1 है और ये +5 जा रहा है, तो -1 से +5 चेंजेस कितने का 6, और नंबर ऑफ एटम 1 है तो 6 × 1 इज इक्वल टू 6 हो। अब फिर बताए थे इसके बाद में कि इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके इक्वल कर देना है, तो मल्टीप्लाई देखो इसको 6 है यार यहाँ 3 है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, और उसी से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से ही करना होगा। अब फिर से एक बार क्वेश्चन को नोट कर देते हैं, क्वेश्चन को नोट करेंगे तो यहाँ आ गया MnO4- माइनस प्लस आई माइनस, बीच में स्पेस छोड़िए कुछ ऐड करने के लिए, MnO2 प्लस IO3- माइनस। अब जो ऐड करना है मल्टीप्लाई करना है उसको यूज करते हैं हम लोग, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ 2 कर दिए। अब रूल क्या बताता है, जो बैलेंस ऑल द एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन को छोड़कर सबको करो हीट एंड ट्रायल मेथड से, मैंगनीज 2 ऑक्सीजन छोड़ते हैं, आयोडीन 1। अब ऑक्सीजन 4 × 8 और यहाँ 2 × 4 एंड 3 × 7, यानी एक ऑक्सीजन कम है, तो एक ऑक्सीजन कम है तो एक H2O डाल दिए। अब हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ एक भी नहीं, तो यहाँ डालेंगे 2H+। अगर एसिडिक मीडियम होता तो बैलेंस हो गया था, बेसिक मीडियम में बताए थे कि इसी से एक स्टेप आगे बढ़ जाओगे, जितना H+ ऐड किए हैं उतना ही OH- दोनों साइड में, ये 2H+ है तो यहाँ पर 2OH- और इस जगह पर भी 2OH-, ये 2H+ और 2OH- 2H2O होगा, यहाँ H2O है, इस H2O को इधर ले आओगे माइनस होगा, बाकी बचा रह जाएगा H2O। फाइनली इक्वेशन बैलेंस होकर के आ गया ये 2MnO4- माइनस प्लस आई माइनस प्लस H2O, इट गिव 2MnO2 प्लस IO3- माइनस प्लस 2OH-। ये इक्वेशन बैलेंस हुआ, ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से था, बेसिक मीडियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, आप चेक करोगे कि कहां पर आपसे मिस्टेक हुआ है, ये भी ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से था, करीब करीब क्वेश्चन सेम ही था, सिर्फ फर्क इतना था कि उसमें आयोडीन था और इसमें क्लोरीन लगा हुआ है, बाकी कहीं कोई चेंजेस नहीं, दोनों बिल्कुल सेम था। फिर भी बताते हैं हम, जो स्टेप है वो यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, MnO4- प्लस
प्लस सी एल माइनस आ गया ये एम एन ओ टू और प्लस सी एल ओ थ्री माइनस। सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर लिख लीजिए, ऑक्सीजन का माइनस टू, मैंगनीज का प्लस सेवन, ऑक्सीजन का माइनस टू, मैंगनीज का प्लस फोर, ऑक्सीजन का माइनस टू, क्लोरीन का प्लस फाइव। मैंगनीज प्लस सेवन से कन्वर्ट किया प्लस फोर में, डिक्रीज कर रहा है रिडक्शन। क्लोरीन का माइनस वन से कन्वर्ट किया प्लस फाइव में, इंक्रीज कर रहा है, ये हो गया ऑक्सीडेशन। प्लस सेवन से प्लस फोर, थ्री का चेंजेज, नंबर ऑफ एटम वन है तो थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री हो गया। माइनस वन से प्लस फाइव, सिक्स का चेंजेज, नंबर ऑफ एटम वन तो सिक्स इंटू वन सिक्स हो गया। इक्वल करने के लिए इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन को फिर से लिखो, यहाँ टू से मल्टीप्लाई कर दिए, टू एम एन ओ फोर माइनस, यानी कि बिल्कुल सारा क्वेश्चन सेम है, सिर्फ वहाँ पर आई था, इस जगह पर सी एल है, एम एन ओ टू एंड सी एल ओ थ्री माइनस। अब एक एक करके सारे एटम्स को बैलेंस करो, मैंगनीज टू मैंगनीज टू, क्लोरीन वन क्लोरीन वन, ऑक्सीजन एट है, यहाँ सेवन है, इस जगह पर लगा देंगे हम लोग एच टू ओ, टू हाइड्रोजन है, यहाँ आ गया टू एच प्लस, क्योंकि बेसिक मीडियम का है तो इतना ही ओ एच माइनस दोनों साइड में, टू ओ एच माइनस, और यहाँ पर भी आ गया टू ओ एच माइनस, ये एच टू ओ और यहाँ ये टू एच टू ओ है, कैंसिल होगा, बचेगा एच टू ओ, और फाइनल इक्वेशन बैलेंस होकर के आ गया टू एम एन ओ फोर माइनस प्लस सी एल माइनस प्लस एच टू ओ, इट गिव टू एम एन ओ टू प्लस सी एल ओ थ्री माइनस प्लस टू ओ एच माइनस, बैलेंस हो गया। ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। अब अगले सेट ए और सेट बी दोनों में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, उसको करते हैं हम लोग। आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। यहाँ पर भी ये थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है, पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं, इसी जगह पर हम लिख देते हैं, इनका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू, इनका प्लस सिक्स, सी टू ओ फोर टू माइनस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस टू और इनका आ जाता है प्लस थ्री, क्रोमियम का थ्री प्लस, माइनस टू और प्लस फोर। अब देखो यहाँ पे क्रोमियम प्लस सिक्स से कन्वर्ट किया थ्री प्लस में, यानी इनका रिडक्शन हो रहा है, कार्बन प्लस थ्री से कन्वर्ट किया प्लस फोर में, यानी इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो दोनों पार्ट को अलग अलग बैलेंस किया जाएगा, ऑक्सीडेशन को अलग और रिडक्शन को अलग। तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, यानी सी टू ओ फोर टू माइनस, ये कन्वर्ट किया है सी ओ टू में, और ये एसिडिक मीडियम का है, ये ध्यान रखोगे आप। कार्बन टू यहाँ वन है, टू से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन फोर ऑक्सीजन फोर, ये बैलेंस हो गया। अब इसके बाद चार, बताए थे कि ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑक्सीडेशन में हमेशा प्रोडक्ट साइड में जाएगा और रिडक्शन में हमेशा रिएक्टेंट साइड में जाएगा। यहाँ टू माइनस है और यहाँ जीरो है, इसका मतलब टू इलेक्ट्रॉन, ये इक्वेशन फर्स्ट बैलेंस हो गया। ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन के बाद में अब रिडक्शन हाफ रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, सी आर टू ओ सेवन टू माइनस, ये कन्वर्ट कर रहा है सी आर थ्री प्लस में। रूल क्या बताए थे, सारे एटम को बैलेंस करो एक्सेप्ट ऑक्सीजन, तो क्रोमियम टू यहाँ टू, ऑक्सीजन सेवन है यहाँ एक भी नहीं तो सेवन एच टू ओ, हाइड्रोजन फोर्टीन है तो यहाँ जाएगा फोर्टीन एच प्लस, चार्ज देखो यहाँ ट्वेल्व प्लस और यहाँ सिक्स प्लस, इसका मतलब यहाँ ऐड करना पड़ेगा सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल्ड आउट होना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करने के लिए इसको देखो थ्री से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसे मल्टीप्लाई कर दिए थ्री से,
अब इमेजिन करो कि सबको 3 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो 3 टू जा 6 और 6 कैंसिल हो गया, बाकी सबको आप नोट कर लीजिए इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में दिया हुआ है। यहाँ आ गया Cr2O72 माइनस प्लस, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो लिखा जाएगा 3C2O42 माइनस प्लस 14H प्लस, इट गिव यहाँ पर ये वैल्यू आ गया 2Cr3 प्लस प्लस, इसको 2 से 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 जा 6 CO2 प्लस 7H2O। एक बार काउंट करके देख लो बैलेंस हुआ या नहीं, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 एंड 12 19, 6 टू जा 12 एंड 7 19, कार्बन 6 बैलेंस है, तो ये आपका बैलेंस हो गया। एक और लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इस वाले में भी बैलेंस करना है हम लोगों को आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि किनका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किनका रिडक्शन हो रहा है। हम यहीं पर डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप अलग से नीचे लिखोगे एक लाइन और, ऑक्सीजन का -2 क्रोमियम का +6, सल्फर डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन का -2 और सल्फर का +4 आ जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन का -2 सल्फर का +6, देखो क्रोमियम का +6 से 3+ यानी कि इनका रिडक्शन हो रहा है, और सल्फर का +4 से +6 इंक्रीज किया, इसका मतलब इनका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब इन दोनों को अलग अलग बैलेंस करो, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, SO2 ये कन्वर्ट किया SO4 में 2-, नंबर ऑफ एटम्स बराबर है, ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 4 है, इस जगह पर आ जाएगा 2H2O, हाइड्रोजन यहाँ 4 है, इस जगह पर आ जाएगा 4H+। अब चार्ज देखो, यहाँ न्यूट्रल है और इस जगह पर 4H+ एंड 2- यानी कि 2+ आया है, तो न्यूट्रल करने के लिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। यह आ गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन बिल्कुल कॉमन होगा, जो पहले वाले में हम लोग पढ़े थे वही बिल्कुल यहाँ पर भी आएगा, लेकिन करते हैं इसको भी। Cr2O72- ये कन्वर्ट कर रहा है Cr3+ में, सारे एटम को बैलेंस करो, क्रोमियम 2 यहाँ 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑक्सीजन यहाँ 7 है, इस जगह पर आ जाएगा 7H2O, हाइड्रोजन यहाँ 14 हो गया, यहाँ पर 14H+, 12+ चार्ज और यहाँ 6+, यानी इस जगह पर आ गया 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, ऐड करते वक्त में इलेक्ट्रॉन कैंसिल होना चाहिए, यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसे आपको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से। देखिए यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा भी कटेगा, तो पहले तो 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया, यहाँ 14H+ है और यहाँ 12H+ है, तो यहाँ से ये कैंसिल होगा, 12 कैसे हुआ, 4 3 जा 12, इस जगह पर बचा रह जाएगा 2H+, और देखो यहाँ 7H2O है और यहाँ 2H2O और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 3 टू जा कितना हो गया 6, ये 6H2O है और यहाँ 7H2O, तो बाकी कितना बचा हुआ रहेगा 1H2O। अब फाइनली उसी सीक्वेंस में ऐड कर दीजिए, यहाँ आ गया Cr2O72-, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 3SO2 प्लस 2H+, इट गिव यहाँ पर आ गया वैल्यू 2Cr3+, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए हैं 3SO42- और प्लस H2O। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है, क्रोमियम 2 ऑक्सीजन 7 एंड 6 13 12 एंड 1 13 सल्फर 3 हाइड्रोजन 2 यानी कि ये बैलेंस है। तो ये आपके रिडॉक्स रिएक्शन टेस्ट का
कि हम सॉल्यूशन यहाँ पे कर दिए, आप अच्छे से मिला लीजिएगा और कोशिश कीजिए कि एग्जामिनेशन में ये गलती नहीं हो। बैलेंसिंग के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, अगर प्रैक्टिस के नहीं हो, आप में से कई लोग जो है बैलेंसिंग में मिस्टेक किए, क्योंकि बैलेंसिंग में हम लोग अच्छा खासा टाइम लगाए थे, उसको आप वर्क। थैंक यू।